शाहमदान साहब का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। बहुत जोश खरोश से लोग आए हैं, मर्द व जन यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है, ये हमारा अकीदा है। और आज वक्फ बोर्ड की तरफ से जो यहाँ पे इंतज़ाम किए गए थे उसका भी जायज़ा लिया और लोगों से, आप लोगों ने भी बात की, लोग खुश हैं। हमारा मकसद है कि हम केयर टेकर्स हैं वक्फ के, और हमारा यही रहता है कि हम देखें जहाँ भी उर्स मुबारक हो, जहाँ पे भी कोई बड़ा दिन है, वहाँ के इंतज़ाम सही तरीके से हैं, हमारे लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं और ज़ायरीनों को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। इसके लिए बजाते खुद मैं खुद आई यहाँ पे और ज़ायरीनों से भी बात की और यहाँ से दुआ भी लेके अपने लोगों के लिए भी और अपने कश्मीर में भी अमन और तरक्की के लिए दुआ करी। पे मैं लोगों से एक ही अपील करूंगी, क्योंकि हम साफ़ सफाई तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो लोग साथ अपने खाने की चीज़ें लाते हैं और उसको डंप करते हैं दरगाह में, ये शायद एथिक्स के ख़िलाफ़ है, हमारे ज़मीर के ख़िलाफ़ है। सफाई हमारा ईमान का हिस्सा है और जब ईमान के हिस्से को हम इस गंदगी में बदल देते हैं तो ठीक नहीं लगता है। और दरगाहों पर इतना ये जमा करना, हमें बहुत इससे तकलीफ़ पहुंचती है, हमारे रूह को तकलीफ़ पहुंचती है। हम चाहते हैं हमारी दरगाहें और ज़ियारतें साफ़ रहें और लोग इसके लिए अवेयर खुद ही हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं अकीदत के लिए यहाँ हाजिर हुआ, क्योंकि हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के एहसानात पूरे खित्ते कश्मीर पे हैं। अगर वो न आते तो शायद हम मुसलमान नहीं होते, और ये इनका एहसान है। और इस एहसान का से इसकी अदायगी इस तरीके से होती है कि उनके नक्श कदम पे चला जाए, उनकी जो तावरात फतिया है उसका विद किया जाए, जो खालिसतन तौहीद का पैगाम है। हम उनकी तालीमात को फरामोश कर चुके हैं और यही एक वजह है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। और दूसरी वजह से सोशल नेटवर्किंग का जो सिस्टम है वो इतनी फहाशी फैला रहा है कि हम लोग खुद परेशान हैं कि किस तरीके से आप नौजवानों को राह रास्त पे ले आएँ। भटके हुए नौजवानों को राह रास्त पे लाने की ज़रूरत है और उसके लिए माँ बाप को कलीदी रोल अदा करना चाहिए। तमाओं की गर्दनों पे तोके होंगी कयामत के दिन पे। वो ये समझते हैं कि हम बरी उज़िमा हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वही ज़्यादातर सबसे ज़्यादा वही ज़िम्मेदार हैं।
इस समाज में, और जो इस तबाही है अइम्मा ज़िम्मेदार हैं, और मसाजिद के ज़ुमा ज़िम्मेवार हैं जो इंतज़ामिया कमेटियों से ताल्लुक़ रखते हुए इजारादारी करते हैं, और उसके बाद कोई इस बारे में खराम फरामोश रहते हैं। हमें जी ठीक है, अहकाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिन्नबीना अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिन्नबीना अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दे दिया वो तस्लीम और रज़ा का है। वो दोनों बाप बेटे जो हैं मक्तल की तरह जा रहे हैं, एक बेटा कुर्बान होने के लिए जा रहा है, एक कुर्बान देने के लिए जा रहा है, और देने वाला जो कुर्बानी है वो बेटा है, और लेने वाला जो कुर्बानी है, देने वाला जो 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 उनसे उससे कुर्बानी ले रहा है उसका बाप है, और इससे ज़्यादा क्या हो सकती है, कौन सी तस्लीम और रज़ा की निशानी हो सकती है। आखिर में जाना अच्छी तरीके से होगी, मैं आवाम से यही कहूँगा कि ईद सादगी के साथ मनाएँ।